robots.txt क्या है, आपकी वेबसाइट में इसका क्या रोल है, इसे कैसे सेटअप करना चाहिए, अपनी robots.txt फाइल को कैसे चेक कर सकते हैं, जानते हैं ये सब आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज हम बात कर रहे हैं robots.txt के बारे में। सर्च इंजन्स जैसे गूगल या बिंग एक किस्म के प्रोग्राम को यूज करते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स पर जाकर जरूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाता रहता है। इस तरह के प्रोग्राम्स को वेब क्रॉलर्स, स्पाइडर्स, बॉट्स या रोबोट्स कहा जाता है। इंटरनेट के एकदम शुरुआती दौर में जब कंप्यूटिंग पावर और मेमोरी दोनों काफ़ी कॉस्टली होती थी, कुछ वेबसाइट्स ओनर्स उस टाइम के सर्च इंजन्स के इन क्रॉलर्स से बहुत परेशान हो गए क्योंकि तब वेबसाइट्स कम होती थी और ये क्रॉलर्स या रोबोट्स बार बार वेबसाइट को विजिट करते रहते थे जिससे उनके सर्वर असली इंसानी विजिटर्स को वेबसाइट नहीं दिखा पाते थे और वेबसाइट के रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ लोगों ने robots.txt का आइडिया दिया जो सर्च इंजन या किसी भी टाइप के क्रॉलर्स और वेब रोबोट्स को ये इंस्ट्रक्शन देगी कि वेबसाइट के ओनर्स उन्हें वेबसाइट के किस हिस्से को विजिट करने की परमिशन दे रहे हैं या दे रही हैं और किस हिस्से की नहीं दे रही हैं। robots.txt टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट के रूट फोल्डर में होती हैं। हम एक डोमेन का एग्जांपल लेते हैं xyz.com। जब भी कोई सर्च इंजन या रोबोट इस वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो सबसे पहले xyz.com/robots.txt को ढूंढेगा। अगर ये फाइल नहीं मिलती है तो कोई इश्यू नहीं है, वो रोबोट पूरी वेबसाइट को विजिट करके उसके किसी भी पार्ट को अपने हिसाब से इंडेक्स करेगा या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। अगर उसे xyz.com/robots.txt पर फाइल मिलती है तो उसे पढ़ेगा और फिर टेक्निकली उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, बट रियल वर्ल्ड में डाटा एग्रीगेटर्स या ईमेल गैदर करने वाले बॉट्स, हैकर्स के बनाए हुए सर्च बॉट्स इंस्ट्रक्शन को ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं पर हमें कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। नंबर एक, robots.txt एक टेक्स्ट फाइल होती है। नंबर दो, robots.txt हमेशा वेबसाइट के मेन रूट फोल्डर में होती है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं होती है। नंबर तीन, इसका नाम हमेशा robots.txt ही होता है, ये robot.txt नहीं हो सकता है, ये कैपिटल में नहीं हो सकता है, नाम हमेशा केस सेंसिटिव होगा। नंबर चार, किसी भी वेबसाइट की robots.txt फाइल को आप उसके डोमेन नेम के आगे robots.txt लगाकर देख सकते हैं। और नंबर पांच, इस फाइल में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को कोई रोबोट मानेगा या नहीं मानेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बड़े सर्च इंजन कंपनीज जैसे गूगल, बिंग, याहू, यैंडेक्स इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं, बट छोटे सर्च इंजन्स, डाटा एग्रीगेटर्स इन इंस्ट्रक्शंस को कभी फॉलो नहीं करते हैं। सो काफी इतिहास हो गया, अब देखते हैं कि आखिर इस फाइल में क्या होता है। ये है robots.txt फाइल का एक मिनिमम कंटेंट। दैट्स इट रियली। अगर आप सभी सर्च इंजन रोबोट्स को अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस तक जाने देना चाहते हैं तो आपकी robots.txt फाइल में सिर्फ इतना ही होना चाहिए। इस टेक्स्ट फाइल की जो फर्स्ट लाइन है, user-agent:, और ये स्टार का मतलब है कि सभी टाइप के सर्च इंजन बॉट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। नॉर्मली वेब टेक्नोलॉजीज में स्टार का मतलब वाइल्ड कार्ड होता है। इसके बाद दूसरी लाइन में है disallow:, एंड देन कुछ भी नहीं है। इसमें डिसअलाउ के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी तरह के सर्च इंजन रोबोट्स के लिए वेबसाइट का कोई भी हिस्सा डिसअलाउड यानी कि बैंड नहीं है। अगर यही डिसअलाउ के आगे /लगा हुआ हो तो इसका मतलब हो गया कि रूट डायरेक्टरी की सारी फाइल्स डिसअलाउड हैं। रिमेंबर, किसी भी वेबसाइट के डोमेन में फॉरवर्ड लगाने के बाद ही हम किसी पेज का लिंक बना पाते हैं। इवन होम पेज भी /के बाद index.html या index.php होती है, ब्राउजर उसे शो नहीं करते, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप डिसअलाउ के आगे /लगा देते हैं तो आप अपनी वेबसाइट की सभी फाइल्स को सर्च इंजन्स के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप किसी खास सर्च इंजन को ही अपनी वेबसाइट पर ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस फाइल की जो फर्स्ट लाइन है user-agent:, इसके बाद स्टार, यहाँ पर स्टार यानी कि वाइल्ड कार्ड की जगह उस सर्च इंजन बॉट का नाम दे सकते हैं और फिर अपना इंस्ट्रक्शन नीचे लिख सकते हैं। सारे मेजर सर्च इंजन बॉट का यूजर नेम या यूजर एजेंट अलग होता है, जैसे गूगल का है गूगल बॉट, याहू का है स्लर्प, माइक्रोसॉफ्ट सर्च का है एमएसएन बॉट। अगर आप सारे यूजर एजेंट्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो इस बोरिंग से पेज पर जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये robots.txt आपके SEO को कैसे इफेक्ट करती है, इसका SEO में क्या फायदा होता है। अभी करंटली इंडिया में गूगल वेब ट्रैफिक का 98% से भी ज्यादा हैंडल करता है, तो हम गूगल की ही बात करते हैं। गूगल हर वेबसाइट को एक क्रॉल बजट अलॉट करता है जो ये डिसाइड करता है कि गूगल का रोबोट आपकी वेबसाइट को कितनी बार विजिट करेगा। ये क्रॉल बजट दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर एक, आपका सर्वर क्रॉल करते टाइम स्लो तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं होता है कि जब गूगल का रोबोट आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो उस टाइम वेबसाइट के जो रियल विजिटर्स हैं उनके लिए वेबसाइट आपकी स्लो हो जाए।
और नंबर दो, आपकी वेबसाइट कितनी पॉपुलर है। ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स पर जिन पर ज़्यादा कंटेंट होता है उन्हें गूगल ऑब्वियसली जल्दी विजिट करना चाहता है ताकि वो कंटेंट के साथ अपने आप को अपडेट रख सकें। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के इस स्क्रॉल बजट का सदुपयोग करे, सही इस्तेमाल करे, तो आप robots.txt से अपनी वेबसाइट के अनइम्पॉर्टेंट पेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे लॉग इन पेज, इंटरनल यूज के डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर या पेज, पुराने डुप्लीकेट कंटेंट वाले पेजेस। इन सभी को गूगल बॉट के लिए डिसअलाउ करके आप अपने क्रॉल बजट को इंपॉर्टेंट पेजेस के लिए बचाकर रख सकते हैं। robots.txt से आप अपनी वेबसाइट के अंडर मेंटेनेंस वाले पार्ट को भी टेम्पोरली इंडेक्स होने से रोक सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा हिस्सा है जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए ही है, जिसे आप पब्लिकली सर्च में नहीं दिखाना चाहते हैं, आप उसे भी robots.txt फाइल में ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट है xyz.com और उसमें एक फोल्डर है सैम्पल और इसका एक पेज है sample.html। तो इस सैम्पल फोल्डर की सारी फाइल्स को सर्च इंजन से छुपाने के लिए आप robots.txt में ये कोड एंटर करेंगे और sample.html को छुपाने के लिए इस कोड को यूज़ करेंगे। इसके अलावा robots.txt फाइल से आप सर्च रॉबर्ट्स को अपनी वेबसाइट के साइट मैप का लिंक भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ ये लाइन जोड़नी होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे सर्च इंजन्स के बॉट्स की क्रॉलिंग की वजह से वेबसाइट नॉर्मल विजिटर के लिए थोड़ी स्लो हो सकती है, और अगर आपकी वेबसाइट ह्यूज ट्रैफिक अट्रैक्ट करती है तो ये डिले आपके लिए कॉस्टली हो सकता है, जिसके लिए आप अपनी robots.txt फाइल में एक डिले टाइमर भी लगा सकते हैं, जिससे सर्च इंजन रोबोट्स एक पेज को क्रॉल करने के बाद दूसरे पेज को क्रॉल करने से पहले कुछ देर वेट करेंगे। ये वेट टाइम या क्रॉल का डिले बाय डिफॉल्ट मिलीसेकंड्स में तय किया जा सकता है। इसके लिए आपको ये कोड अपनी robots.txt फाइल में देना होगा, crawl-delay:// एंड देन जो भी जितने मिलीसेकंड्स का आप वेट टाइम देना चाहते हैं आप उसे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 10 दे दिया है, तो इस 10 का मतलब हुआ कि क्रॉलर एक पेज को क्रॉल करने के बाद 10 मिलीसेकंड रुकेगा और फिर दूसरे पेज पर जाएगा, जिससे आपकी सर्वर को एक ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा और आपकी साइट सडनली स्लो नहीं होगी। अभी रिसेंटली 1 जुलाई को गूगल ने यह भी अनाउंस किया कि वो robots.txt फाइल में मौजूद जो नो इंडेक्स रिक्वेस्ट होती थी उनको भाव देना बंद कर रहे हैं, और इस पर माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने भी ये रिएक्शन दिया कि हम तो कभी उसे फॉलो करते ही नहीं थे। नो इंडेक्स डिस अलाउ से अलग है, डिस अलाउ रिक्वेस्ट पेज को क्रॉल ना करने देने का इंस्ट्रक्शन देती है, और नो इंडेक्स रिक्वेस्ट क्रॉल करने से मना नहीं करती है लेकिन इंडेक्स करने से मना करती है। नो इंडेक्स का कोई रिटर्न रूल अभी तक नहीं था, बट गूगल उसे अप्रॉक्सीमेटली 90% केसेस में उसको फॉलो कर ही रहा था। बट अब वेबमास्टर्स को अपने पेज में नो इंडेक्स टैग लगाना होगा, मे बी वो पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट नो इंडेक्स रिक्वेस्ट इन robots.txt विल नॉट वर्क। नाउ, इससे पहले कि आज के वीडियो को हम ख़त्म करें, कुछ कॉमन वेबसाइट्स के robots.txt फाइल को हम देखते हैं। ये है facebook.com की रोबोट फाइल, सबसे पहली लाइन में ही वार्निंग मौजूद है और काफ़ी लंबी लिस्ट है। और फिर है ये google.com की रोबोट फाइल, ये है flipkart की रोबोट फाइल, सबसे विचित्र रोबोट फाइल है paytm की, टोटल 5626 लाइंस मौजूद हैं। Someone needs technical maintenance. वैसे इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट की रोबोट्स फाइल के शुरुआती इंस्ट्रक्शन वर्ड टू वर्ड, कैरेक्टर टू कैरेक्टर सेम है। इंटरेस्टिंग। एनीवे, आई होप कि ये वीडियो आपको अपनी वेबसाइट की robots.txt फाइल को मेंटेन करने में और उसे सही से यूज करने में हेल्प करेगी, और अगर कोई पॉइंट मैं भूल गया हूँ तो कमेंट्स में जरूर बताइए, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।